पानी डालने से क्या होगा भगोने में, तो हमारा दूध जो है तल्ले में चिपकेगा नहीं और बिल्कुल साफ भगोना साफ निकलेगा। चलिए मैं इसमें अब दूध डाल देती हूँ। देखिए दूध डाल देती हूँ मैं इसमें। देखिए भगोने में मैंने सारा दूध पलट दिया, 2 किलो करीब हमारा ये दूध है और इतना सा भगोना हमारा खा लिया। दूसरी टिप्स है हमारी, 1 चम्मच लेंगे, चम्मच को हम दूध के अंदर डाल देंगे। इस तरह से हम दूध को कितनी भी देर उबालें, धीमे धीमे गैस पे रख दो या लो गैस पे जैसे भी रख दो, कितनी भी धीमे पकता रहेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा हमारा दूध। दूसरी टिप्स देखिए मेरी अगली टिप्स है चने को लेकर, वो भी काले चने को लेकर। अक्सर ये होता है चने हमारे हम घर में खरीद के रख लेते हैं कि जब मर्जी हो जब बना लो, लेकिन हमारे चने जो हैं इनमें या तो घुन लग जाता है या ये हमारे चने में फुई सी लग जाती है, वाइट वाइट से हो जाते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमें एक कढ़ाई में कढ़ाई को गर्म करना है, उसमें इन चनों को डाल देना है। इस तरह से इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने के बाद अगर हम ये चने रख देंगे, हमारे साल भर रखे रहें या 6 महीने के लिए रखे रहें, आपके ये चने कभी ख़राब नहीं होंगे, कभी इसमें घुन नहीं लगेगा, कभी कीड़े नहीं लगेंगे। और ये अक्सर कभी आप रख के भी भूल जाओ इस चने को, 1-2 साल बाद भी देखोगे ना, रख के भूल गए तब भी आपको चने उसी तरह से मिलेंगे। और आप इनको ठंडा होने के बाद किसी आप थैली में या किसी डब्बे में करके इस तरह से रख दें, हल्का सा रोस्ट करेंगे इन चनों को इस तरह से, ज़्यादा ही नहीं हल्का सा रोस्ट कर लें ताकि हमारे चने ये घुने ना। और इनको एयर टाइट डब्बे में करके या किसी थैली में पोलोथीन में कोई जो थैली आती है उनमें भी करके आप रख सकते हो। इस तरह से 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इन्हें हल्का सा गर्म कर लेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं लो फ्लेम पे हम इनको हल्का सा गर्म करेंगे। और इससे प्याज को लेके, जब भी हम प्याज काटते हैं तो आँखों से आंसू बहुत बहते हैं और हम काटते काटते परेशान हो जाते हैं। जब कभी ढेर सारी प्याज काटनी होती तो मुश्किल लगता है ये कैसे काटें कैसे काटें। इसके लिए मैं एक बहुत टिप्स अच्छी सी दूंगी, जिससे कि आपके जब भी प्याज काटेंगे आपके आंखों में आंसू नहीं लगेंगे, आंसू नहीं आएंगे। इसे कोई भी काट सकता है, इसको देखिए बहुत अच्छी टिप्स है। इसके साथ ये हमने प्याज को छील लिया, इस तरह से हम छील लेंगे प्याज को और इसका अच्छे से छिलका वगैरह उतार के इस तरह से हम 2 भागों में प्याज को काटेंगे। इस तरह से हम प्याज को 2 भागों में काट के और इसे थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, मतलब 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें इस तरह से प्याज को किसी डब्बे में बंद करके। इसे काटने से आपके आँखों में बिल्कुल मिर्च नहीं लगेगी ना आंसू आएंगे और आराम से आप प्याज को काट सकेंगे। चलिए मैं फ्रिज में रख के उसके बाद काट के बताऊँगी। फ्रिज में रख के बिल्कुल आँखों में आंसू नहीं आते हैं। देखिए आधा घंटा हो गया मुझे प्याज को फ्रिज में रखे हुए और ये अब हमारी आंखों में बिल्कुल नहीं लगेगी, इसको हम आराम से काट सकते हैं। चलिए काट लेते हैं। देखिए अगली टिप्स है हमारी कुकर के ढक्कन को लेके। अब कुकर को लेके, जब भी हम कुकर में ऐसे करके सीटी लगाते हैं, इस तरह से कुकर में बंद करते हैं, तो ये हमारा कुकर ऊपर से पूरा सड़ जाता है और पूरा गंदा हो जाता है कुकर भी, और ये अंदर से भी ढक्कन ख़राब हो जाता है और बाहर से भी हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हम कोई सा भी आप तेल ले लें या कोई भी देसी घी ले लें, कुछ भी ले लें, आप इसके चारों तरफ ढक्कन के चारों तरफ इस तरह से लगा देंगे, इसके बिसिल के इस तरह से चारों तरफ लगा देंगे तो ये हमारा है सीटी लगे तो हमारा ये ढक्कन ख़राब नहीं होगा और हमारा बिल्कुल साफ़ सुथरा निकलेगा, हमें साफ़ करने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरह से हम इधर भी लगा देंगे, थोड़ा सा दोनों साइड से लगा देंगे। अब हम इसको ले कर देंगे बंद। इस तरह से हमारे जो है इसका जो भी है दाल है या जो भी हम बॉयल करेंगे ये हमारा बाहर नहीं आएगा, इससे अंदर ही रह जाएगा। इस तरह से देखिए हम कुकर में अब ये ढक्कन लगा देते हैं इस तरह से। अब देखना आप सीटी लगेगी, हमारा कुकर बिल्कुल गंदा नहीं होगा और साफ़ सुथरा सा कुकर हमारा रहेगा, ये देखिए इस तरह से। चलिए गैस को जला देती हूँ और दिखाती हूँ, सीटी लगेगी तो बिल्कुल गंदा नहीं होगा कुकर हमारा। देखिए 1 मिनट में सीटी बजने वाली है, देखना हमारा कुकर बिल्कुल गंदा नहीं होगा।
हमारा कोई भी दाल वगैरह यहाँ से कुछ भी नहीं निकला चिकना लगाने से, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको। देखिए मेरी लास्ट टिप्स है ये माचिस को लेके। माचिस जब हम कहीं जाते हैं या पूजा के लिए रखते हैं या हम कहीं मंदिर जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हमारी ये माचिस वगैरह सील जाती है और ये हमें जलाने में बहुत परेशानी पड़ती है। तो इसके लिए हम एक टिप्स देना चाहेंगे जो कि बहुत यूजफुल है और बहुत काम की है ये। इसके लिए हमें माचिस हमारी सी लेना और अच्छी तरह से हमारी जल दे, जब भी हम निकालें तभी ये यूज हो जाए हमारी माचिस। चलिए हम वो दिखाते हैं किस में हम कैसे करेंगे इसका। इसके लिए हमने ये लिए एक चाय पत्ती, इस तरह से देखिए। ये चाय पत्ती आप कोई सी भी ले रख सकते हैं, इस तरह से चाय पत्ती कोई सी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ब्रांड की हो कोई भी कंपनी की चाय पत्ती हो, आप सस्ती सी भी ले लें चाय पत्ती की। एक डिब्बे में थोड़ी सी चाय पत्ती इस तरह से डाल दें, उसमें हम ये माचिसों को डाल देंगे। इस तरह से हम अपनी माचिस इसमें डाल के अगर रखेंगे हम ऐसे कर लिए तो हमारी ये माचिस इस कभी सीलेगी नहीं। और जब आपको यूज करनी हो जब ऐसी टिप्स अगर मेरे और भी देखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नई नई टिप्स डालूँ आप लोगों के पास सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगली टिप्स के साथ।